आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक इलेक्ट्रिकल पाइपिंग का वीडियो। ये पाइपिंग और बॉक्स फिटिंग का वीडियो, यहाँ पर हमारा क्या आने वाला है, यहाँ पे हमारा एमसीबी बॉक्स या डीबी बोर्ड आने वाला है। इससे एक लाइन गई हुई है, ये है हमारा पहला बोर्ड जिसपे टू वे और ये सब अब स्विचेज आने हैं और इस तरीके से लाइन कनेक्ट है। और इसी के जस्ट पीछे किचन भी है हमारा, जो मैं अंदर आपको दिखाता हूँ। ये बॉक्स जो गया है दूसरा, ये किचन की तरफ को गया हुआ है। इसके सामने के रूम पे अगर हम देखते हैं, पहले हम गैलरी में देखते हैं कि गैलरी में क्या दिया गया है। ये देखिए लाइन आई हुई है एमसीबी बोर्ड से, उसके बाद ये आगे ये एमसीबी बोर्ड के बिल्कुल सामने में गैलरी है। ये देखिए इस तरीके से हमने इसमें एक बल्ब को दिया गया है, क्योंकि क्लाइंट हमारे चाहते थे कि सामने बल्ब लगे। और इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ इस रूम में। आप देख रहे हैं यह है बैठक का रूम है। यहाँ देखिए लाइन किस तरीके से बिछाई गई है, ये लाइन देखिए सीधे तरीके से ले जाई गई है किचन के ऊपर और मंदिर का जो पोर्शन है उसके ऊपर से। और ये जो बैंड आप देख रहे हैं छत में, ये है हमारा फॉल सीलिंग का बैंड। और ये देखिए नीचे बॉक्स इस तरीके से फॉल सीलिंग की हाफ है या फिर वायर इसमें आ जाएंगी। और यह है हमारा टीवी का बोर्ड जो फॉल सीलिंग में ही इसमें वायर आएंगी, इसको मिलाने का ज़रूरत नहीं था क्योंकि ये इंटरनली फॉल सीलिंग पे मिल जाएंगी। और यह है हमारा एक पावर का बोर्ड दिए गए हैं तो, और हमारे कूलर के लिए बोर्ड दिया गया है। ये देखिए सामने इस तरीके से हमने दो बोर्ड दिए हैं। और ये जो हमारी वॉल है इस पर कोई भी पॉइंट नहीं है, बस सिर्फ एक मेन बोर्ड है जो 8 मॉड्यूलर का है, क्योंकि एंट्रेंस पे बोर्ड का होना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ, इसमें भी फॉल सीलिंग के वायर आएंगे इस तरीके से। यह है हमारा मंदिर का रूम, मंदिर का सेक्शन, इसमें भी एक बोर्ड दिया गया है। ये बोर्ड जो है ये बाहर से कनेक्ट हुआ है, क्योंकि मंदिर में सिर्फ एक ही बोर्ड आएगा और लाइट का पहले से ही हो चुका है जो ऊपर से लाइन गई हुई है ये। और अब इस पे हम चलते हैं बाहर। ये एक बोर्ड दिया गया है हमने बाहर पोर्च पे, ये एक सीलिंग बाहर पोर्च में भी होने वाली है। इस तरीके से हमने बैंड छोड़ दिए हैं और ये सीधे डाउन कटिंग होकर के यहीं पे सर्किट का भी पाइप आया हुआ है। और इस तरीके से 12 मॉड्यूल मिक्स हो गया है, और मंदिर को भी और किचन को भी, किचन का क्योंकि एक एरिया मंदिर के पीछे, किचन का भी एक घूम के। इसके बाद मैं लेके चलता हूँ आपको किचन में। ये देख रहे हैं आप किचन का पहला बोर्ड जो एमसीबी बोर्ड से मिला हुआ बोर्ड था, वो ये बोर्ड है। और इसी के ऊपर एक चिमनी का बोर्ड भी है, ये चिमनी के लिए स्विच ऑन ऑफ के लिए डाला गया है। ये देखिए ये बोर्ड जो है ये किचन चिमनी के ऑन ऑफ के लिए है, यहाँ पे टॉप लगेगा किचन चिमनी का। और ये जो बल्ब है, क्लाइंट ने हमारे सामने बल्ब देने के लिए बोला, और ये जो पावर का ऑन ऑफ के लिए बोर्ड है। और ये जो वह कटिंग आप देख रहे हैं, ये है हमारा यहाँ पे एक बोर्ड आएगा, ये 2 मॉड्यूलर का बोर्ड हमने डाला हुआ है इस पर। और इसके अंदर ही जो 6 मॉड्यूल बोर्ड है जो पोर्च से मिला हुआ ये बोर्ड है, वो ये फ्रिज के लिए बोर्ड है। और अब मैं दिखाता हूँ आपको एमसी बोर्ड के सामने की तरफ, आप जब जाएंगे तो एक रूम है, इस रूम में भी हमने पाइपिंग कर दी है। वो कैसे कर दी है मैं आपको दिखाता हूँ। इस ये एंट्रेंस है, एंट्रेंस से छोड़ के आपने बोर्ड को देना है जितना कि, क्योंकि जितना दरवाज़ा खुल सके। ये देखिए 12 मॉड्यूल बोर्ड, इसके ऊपर भी हमने कटिंग करके इसमें भी पाइपिंग कर दी है। और ये है हमारा कूलर का बोर्ड, इस पर कूलर के लिए हम स्विच देंगे और एक हाफ पॉइंट भी आएगा। ये इस कमरे में भी कंप्लीट फॉल सीलिंग है, इसके सामने में भी बल्ब है। और इस तरफ आप देखेंगे तो इस तरफ हमने दिया है एक टीवी का बोर्ड, और टीवी के बोर्ड के साथ ही हमने इसको बाथरूम का एक बल्ब का बोर्ड भी लगा दिया है 2 मॉड्यूलर का। ये देखिए 2 मॉड्यूलर का बोर्ड लगा हुआ है और ऊपर स्विच बल्ब के लिए बैंड दिया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर डीवी बोर्ड आने वाला है, जिसकी लाइन हमने नीचे को काट दी है और डीवी बोर्ड लगना इस पर पेंडिंग है। तो डीवी बोर्ड को आपने पानी की लाइन से थोड़ा हटा करके रखना है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है बाद में। और इस जो साइड में आप देख रहे हैं इसमें फैन बॉक्स एक भी नहीं है, क्योंकि कंप्लीट फॉल सीलिंग होने वाली है तो बाद में फास्टनर लगेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर।